हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और दान देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप मिट जाते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व रखा जाता है। इस बार गंगा दशहरा 9 जून दिन गुरुवार को है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान और दान का हमेशा से महत्व रहा है, परंतु गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने और दान देने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान के बाद इन 10 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों के दान से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की तमाम समस्याओं से निजात मिल जाता है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आसान हो जाती है। इस दिन ये 10 चीज़ें जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस बार हस्त नक्षत्र 9 जून को सुबह 4:31 से प्रारंभ होकर 10 जून को सुबह 4:26 तक रहेगा।